हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है संघवाद भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और भारत में विकेंद्रीकरण कैसे और कब आया वह जानेंगे। सबसे पहले हम संघीय व्यवस्था कैसे चलती है वह जान लेते हैं। संघीय सरकार के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन कारगर हुआ है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का होना नहीं है। भारत में संघीय सरकार की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इससे संघवाद की भावना, विविधता को सम्मान और साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि भाषाई राज्य क्या है। भारत ने 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर 2006 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार की आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत से पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए, जैसे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से बना, झारखंड बिहार में से बना और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से बना। इसके बाद कुछ और राज्य भाषा के आधार पर नहीं बने थे, बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातियों के आधार पर बने थे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारत में भाषा नीति कैसी थी। हमारे देश में हिंदी भाषा को आधारिक राष्ट्रीय भाषा माना तो गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। इसीलिए भाषाओं की सुरक्षा के बहुत से बाकी उपाय किए गए। संविधान के मुताबिक आधारिक कामों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी लोगों ने डिमांड करी कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि केंद्रीय राज्य संबंध कैसे थे। सत्ता की साझेदारी का संवैधानिक प्रणाली वास्तविकता में कैसा रूप लेगा, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह प्रणाली का अनुसरण करते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न दलों की सरकार रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों को अनदेखा कर दिया। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था, क्योंकि किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिली, इसीलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की क्षेत्रीय पार्टियों समेत अनेक पार्टियों की संधि बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इस प्रवृत्ति को उच्चतम न्यायालय के एक बड़े फैसले से बल मिला। कई भारतीय प्रांत यूरोपीय स्वतंत्र देशों से बड़े हैं। आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है इत्यादि। भारत के कुछ राज्य खुद भी आंतरिकता से विविध है। भारत में संघीय सत्ता का बंटवारा 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर राज्य सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण के पीछे यही एक कारण है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि
कि विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमें क्यों है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद फिर शहरों और गांव के स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण की कोशिश हुई है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण करने की कोशिश हुई है। सभी राज्यों में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरी स्तर पर नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। इन राज्य सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए गए। इनके पास न अपने कोई अधिकार थे और न ही कोई संसाधन। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि संविधान का संशोधन 1992 में कैसे हुआ। संविधान में संशोधन करके 1992 में लोकतांत्रिक शक्ति प्रणाली के इस तीसरे स्तर को ज्यादा ताकतवर और असरदार बनाया गया। अब स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक प्रतिबंध था। निर्वाचित निकायों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित थी। कम से कम एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित भी कराया गया। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग नामक स्वतंत्र संस्थानों का सृजन कर रही थी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने इस वीडियो में आज संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और भारत में विकेंद्रीकरण कब और कैसे आया था वह जाना। अब हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।